2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों ने गठजोड़ की तैयारी तेज कर दी है। इस बीच वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी ने दुलौर में एक सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के 2025 वाले मिशन का सीक्रेट लीक कर दिया और साथ ही चौंकाने वाला दावा किया। जिसकी माने तो बीजेपी की ओर से उन्हें ऑफर दिया गया था पार्टी का विलय करने का। इसके साथ ही उन्हें 2025 में सीएम उम्मीदवार बनाने की भी बात की गई थी। सोमवार को निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के दौरान चुनाव पर बात करते हुए सैनी का ये दावा सामने आया, जिसमें उनका कहना था कि बीजेपी ने ऑफर दिया था कि पार्टी का विलय कर ले, 2025 में सीएम उम्मीदवार बनाएंगे, लेकिन हमें अपनी झोपड़ी का ही राजा बनना है, बीजेपी के महल का चपरासी नहीं बनना। निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा को अभी 23 दिन ही पूर्ण हुआ है और दिल्ली की सरकार हिलने लगी है, समाज को गुमराह करने के लिए षड्यंत्र रचने लगी है, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि अब निषाद का बेटा ना गुमराह होगा ना टूटेगा। अब जो हमारी सुनेगा उसकी ही हम सुनेंगे। अब बिहार में नीतीश फैक्टर नहीं रहे, सन ऑफ मल्ला फैक्टर हो गया है। अगर नीतीश कुमार फैक्टर होता तो सम्राट चौधरी को हटाकर हरी सैनी को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया जाता। सैनी यही नहीं रुके, वीआईपी प्रमुख ने बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हरी सैनी की ओर इशारा करते हुए कहा, बीजेपी ने अभी एक व्यक्ति को आगे किया है, लेकिन 4,99,99,999 आज भी वंचित है। उसके लिए हम सभी को संघर्ष करना है और लड़ाई लड़ना है। बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के 5 करोड़ निषाद समाज के हर परिवार के चेहरे पर मुस्कान आए, उन सभी के लिए आरक्षण सुनिश्चित करना है। फिलहाल सैनी के इस दावे के बाद से ही सियासत तेज हो गई है। ऐसे में बीजेपी की ओर से क्या जवाब सामने आता है, ये देखना होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।